हाय एवरीवन, इसमें हम जैन, यू आर वाचिंग एचडी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम एक वीलॉग देखने वाले हैं, एक कश्मीरी व्लॉगर हैं और ऐसे चलते फिरते ही वीडियो उनका दिखा था और टाइटल जो उन्होंने दिया है वो ये है कि फ्रॉम कन्फ्लिक्ट टू एम्पावरमेंट, द डॉन ऑफ अ न्यू एरा। अनिका नज़ीर है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो लेकर आने का मकसद ये था कि हम ख़ुद भी देख लें कश्मीर के लोगों की डेली लाइफ कैसी है, गलियां कैसी हैं, मार्केट कैसी है, और इकॉनमी किस तरह की जा रही है, लोगों के क्या ख्यालात हैं, 370 हटने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है। देखें, कश्मीरी वी लोग देख रहे हैं तो मीडिया वाला जो मिडल मैन वाला सीन होता है वो ख़त्म हो गया, तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जनाब ये धोखा है, ये मैनेज किया हुआ है, यह प्रोपेगेंडा है। तो आइए देखते हैं, हमारे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए सही होने वाला है। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। ब्यूटिफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अनिका नज़ीर। एक दो दिन से मैं एक्चुअली बीमार थी और जो पॉडकास्ट है वो कंडक्ट नहीं कर पाई और तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाई। सो तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि स्मार्ट सिटी अब यू नो श्रीनगर स्मार्ट हो रही है और हो भी गई है, उस पे करेंगे। तो आज एक राउंड पे चलते हैं और आपको स्मार्ट सिटी का एक राउंड आपको भी करवाते हैं कि क्या नई चेंजेस आई है और कैसा लुक दे रहा है स्मार्ट सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे लोग सजेशन में बताते हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, उस चीज़ पर ओपिनियन दीजिए। विद टाइम ज़रूर मैं अलग अलग टॉपिक्स पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, बट करंटली कश्मीर मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। सो कश्मीर में अभी Y20 समिट आज हुई और काफ़ी सारी तस्वीरें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये निकल के सामने आई हैं और सक्सेसफुली वो यहाँ पे कंडक्ट हुई है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, G20 की भी बहुत तैयारियाँ चल रही हैं और अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। सो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, सो आई थॉट कि इनके बारे में आपको ज़्यादा मैं बताऊँ और बाकी भी जो इश्यूज़ है जो आपने मैंशन किए हैं उन पर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी इन कमिंग डेज। बट राइट नाउ अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल से या परसों से मैं पॉडकास्ट भी कंडक्ट करूँगी फिर से और आपको अपडेट्स भी देते रहूँगी। फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ, सो वहीं से आपको भी मैं दिखा दूँगी कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कैसे रोड्स बनकर आ गए हैं, कैसा न्यू लुक आया है, क्योंकि बहुत काफी ट्रेंडिंग में है, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। सो चलिए पहले वहां चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं अपने कांस्टेंट कंपेनियन को पिक करने गई। दो लोग होते हैं तो अच्छा। हमें डॉक्टर भारती ने फिर से इस व्लॉग में ज्वाइन किया है। सो भारती, इट्स अ सीरियस व्लॉग। अरे क्या देख रहे हो? Awesome. I would like to ask you, आज Y20 summit हुई है कश्मीर में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, what is your opinion on that? I think it was a long awaited moment for Kashmiri people. First of all, it has to be done because outside people don't know much about Kashmir and they don't know how beautiful it is and how nice people are, like onion ka. Other than that, it's actually nice. It's a good thing. It's a good for Kashmiri people, for Kashmiri resident local. हाँ, ये तो है. And for other people to see how things are working here. Okay. One more question is there. There were the participation of, you know, delegates from different countries as well. So you are living here in Kashmir from so long. So what do you think about the global perspective, the youth perspective? कितना बेहतर है वो Kashmiri students के लिए, Kashmiri youth के लिए? How are you looking at it? So I think specifically इस moment में ये G20 meet होना क्यों मतलब फायदेमंद, इसलिए क्योंकि कश्मीर वैली में जब जहाँ पहले जितना प्रॉब्लम होती थी अभी उतनी नहीं है, उसकी वजह से कश्मीरी यूथ जो इंटरनल मतलब कि पेरिफेरी में रहते थे, दे आर आल्सो एबल टू गेट टू श्रीनगर सिटी एंड दे आर आल्सो एबल टू यू नो पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट और दे आर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड सो दिस थिंग विल बी एन एक्सपोजर फॉर देम आल्सो, लाइक इट्स नॉट ओनली जम्मू फ्रॉम श्रीनगर, इट्स ओनली इन जम्मू, सो मतलब दे विल हैव अ प्रॉपर लाइक एरियल व्यू ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो इफ दे आर हियर एंड दे आर यू नो मिलने जुलने से आपको पता ही है। एग्जैक्टली, डू यू फील सेफ अराउंड इन द सिटी एंड अराउंड द पीपल?
and around me especially. No, so absolutely. So I know there is some people are reluctant to come here. It is not because I think present situation, because they haven't seen the present situation. It is because of the what has been happening for the last 2 decades. Yeah, exactly. But the past experience. Yeah, exactly. But right now the situation is completely different. It's like any other city or any other capital city of any state in our country. So it's absolutely different. I think people should come here and they should see them by themselves how things are changing and how people are changing. Even localites are going outside. They also know how other people operate. So it's like any other city. It's not like 1999 or 1991 what was happening that time. It's not happening right now. It's absolutely happy and nice. Fine. Okay. What are your opinions on the new look of the smart city Srinagar? Okay. The thing is, it is progressing at a very, very high, very rapid speed. So speed, I was here 1 decade ago, like 10 years ago. There, at that time, roads were not that like good, or there were no footpath. There was no concept of footpath at that time. But now things are footpath changing. Footpath bani bhi hota, new foundations and new buildings coming up. There's a mall in our city and in periphery also. So we have a new hospital, GB Pant Children Hospital. So it's like any other city, like I said. Things are happening because the government is. Okay, so ye dekhen ji, aapne ye suna. और एक इनमें मेरे ख्याल में एक वो हैं जो कि नेटिव कश्मीरी नहीं है लेकिन वो यहाँ पे 10-15 साल से रह रही हैं और एक नेटिव कश्मीरी हैं और एक तरफ से क्वेश्चंस हो रहे थे एक तरफ से जवाब आ रहा था. तो डेफिनेटली जी जो हमारा ओपिनियन है जो हम समझते हैं वो यही है कि जैसा मतलब एक हमारा भी ओपिनियन है कि 370 हटने के बाद से डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि हम वीडियोज़ देख रहे हैं ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है. और इन्होंने भी इस चीज़ को सेकेंड किया है कि देखें 10 साल पहले तक यहाँ पे रोड्स प्रॉपर नहीं थी, सर्विसेज नहीं थी, 4G नहीं था, 3G भी सही नहीं था, हॉस्पिटल्स के इशू थे और इसके अलावा मॉल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, सिक्योरिटी सिचुएशन भी थी, लोग भी रिलेक्टेंट थे यहाँ आने से. लेकिन 370 हटने के बाद से क्योंकि दोनों तरफ के लोग मतलब कश्मीर के और बाकी इंडिया के लोगों ने एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू किए, सेंटर की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, स्मार्ट सिटी एक बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर जो है ना उस पर काम चल रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं. और कश्मीर का आप कह लें कि जो पिछले 70 साल से डेवलपमेंट रुकी हुई थी वो पिछले 2-2.5 साल में जब से ये 370 हटा है तो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और लोग ज़्यादा सेफ़ फील कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, डेलीगेशंस आ रही हैं तो नॉलेज का भी ट्रांसफ़र होता है, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र होते हैं. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये मैं नहीं बता रहा जी, पाकिस्तान के लोग अगर स्टिल अभी भी ये कहते हैं कि भाई नहीं ये तो प्लांटेड होता है, देखो भाई कोई प्लांटेड नहीं है, लोकल कश्मीरीज बता रहे हैं. अब लोकल कश्मीरियों की भी बात नहीं माननी तो फिर किसकी बात मानोगे? ठीक है, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि कश्मीरियों की अगर आवाज़ आप तक पहुँचे ना तो कश्मीरी ऊँची ऊँची आवाज़ में कह रहे हैं कि साड़ी जान छोड़ दियो पाकिस्तानियों, हमें नहीं आना तुम्हारे पास. लेकिन फिर वही बात है कि हम उनकी आवाज़ के लिए हम गूंगे बहरे हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हम, क्योंकि शायद हम ये समझते हैं कि अब आके अगर हम अपना वो क्लेम ख़त्म करेंगे तो बेइज्जती महसूस होगी. तो पहले बात तो ये कि हमारी इज्जत कर कौन रहे, ठीक है, इकोनॉमिकली हम इतने डैमेज हो चुके हैं. और एक मैं मेजर गुरुवारिया साहब की बात सुन रहा था एक इंटरव्यू में, वो ये कहते हैं कि कश्मीर की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है क्योंकि हम अपने रिसोर्स झोंकी जा रहे हैं फौज को. देखें हमारी इंडिया से लड़ाई अगर होती है फौज की किस बात पे होती है, कश्मीर को लेके होती है, 4 जंगें हुई हैं कश्मीर को लेके हुई हैं, अगर ये इशू ना हो तो कितना हम पैसा बचा लेते अपना. बहरहाल अब पता नहीं हमारे साथ इस बात पे लोग एग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ जनाब कश्मीरियों को इस तरह से हंसता मुस्कुराता देख के. आपको भी होना चाहिए, बाकी पाकिस्तानियों को क्या ख्याल है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा. सी यू गाइज़.